रुका, पकड़ने जा रहा है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गोली की तरह छेद कर देगी शरीर में, अभी अपनी सेफ्टी वेफ्टी के लिए भी। ये कितना दूर रोड मुझे मिलेगा खराब? ढलान वाली राजस्थान में भी रोड खाली है भाई, कोई नहीं जा रहा है यहाँ पे। ये कैसे ऑटो लंबे वाले? बाकी कट चुका है मेरा पोपट भाई, देख रहे हो क्या लैंडस्केप है भाई। 40 फीट गहरा है भाई। दाल चावल खाता हूँ ना ज्यादा मैं, क्योंकि यहाँ पे 8 रुपए का अंतर है ना भाई साहब। हमें मिल गया राइडर, तो भैया ने अभी न्यू बाइक लिया, न्यू राइडर। हाँ धक्का लगा देता हूँ। Hey everyone, good morning. Morning के बच चुके 5:48 जस्ट हुए, तो निकल रहे आज अपनी राइड पे। जो चलते अपनी राइड पे, मिलते हैं आपको। आज भी हमारी राइड पहाड़ों पे नहीं, समतल पे राइड करेंगे, क्योंकि पहाड़ों पे ना भाई बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है, जिसके कारण अभी हम समतल पे राइड करेंगे, क्योंकि पहाड़ों पर लैंडस्लाइड वगैरह होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं ना, और होते भी है बारिश में, तो भाई कहीं फंस ना जाओ। तो अभी समतल पर राइड कर, आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं चूरू, राजस्थान में पड़ता गजब की जगह। तो चलते हैं, बाकी दिखाते हैं क्या क्या चूरू में, और मिलता हूँ आपको स्कूटी पर, और सबसे बताऊंगा चूरू के बारे में। तो रवाना होते हैं, और मौसम तो भाई काफी अच्छा लग रहा है, हवा नहीं चल रही है। बाकी स्कूटी खोलते निकलते, क्या बात है शिपकली, सुबह सुबह कहाँ थे रात को? आज घर लेट पहुंचे हो, घर वाले तोड़ेंगे तुम्हें आज। गाड़ी अब हमारी सही चल रही है, इसके ब्रेक शूज चेंज करवा दी, क्योंकि ना पिछली राइड में ब्रेक शूज पूरे घिस गए थे पीछे वाले। बजरंग बली का नाम, जय बजरंग बली। पिछली राइड में बजरंग बली का नाम नहीं लिया ना, राइड में थोड़ी दिक्कत आ गई थी भाई। तो लेंगे पहला स्टॉप पेट्रोल पंप। वेदर की रिपोर्ट दे दी जाए, वेदर साफ है, काफी अच्छा है, बारिश जैसा मौसम है, लेकिन बारिश होगी मुझे नहीं लग रहा बारिश होगी। भी तो कोई नहीं, रेन कवर हम कैरी कर रहे हैं अपना, कोई फुल करता हूँ अंकल जी। टेल है 289 3.06 लीटर की रीडिंग है 31118। एक चीज की दिक्कत हो गई है, मैं अपने ग्लव्स भूल गया हूँ, ग्लव्स अब जो है ना मेरे हाथ जो है ना काले हो जाएंगे। आज हम जा रहे हैं चूरू, तो चूरू जाने का जो टाइम लगेगा 5 घंटे 24 मिनट लगेंगे, 267 किलोमीटर है, 11:50 पे पहुंच जाएंगे। क्या बात है, जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है, उम्मीद लग रहा है 1 बजे तक हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि बीच में रुक रुक के भी ना आराम से जाएंगे। तो भाई 300 किलोमीटर का सफर है समतल पे, आज मेरा काफी लंबा राइड है ये। तो पहाड़ों पे हुई थी एक बार मेरी, पहाड़ों पे मुझे याद है अप डाउन 711 किलोमीटर की राइड थी एक ही दिन में, मैंने सिंगल में मारी थी, रात के 2 बजे मैं घर पहुंचा था। ये अब समतल पे सबसे बड़ी राइड है मेरी, करते हैं इसको आज तेजी से कवर। तो भाई आज तो क्या बात है, हम सीपी पहुंच गए सुबह सुबह। एक्चुअली एक गलत टर्न के कारण मैं सीपी आ गया, नाली अपने पीछे आ रहा है एक भाई। भाई देखो कौन सी गाड़ी पे और किट लेके जा रहा है क्रिकेट खेलने के लिए। देखो भाई का किट है ये, मेरी जान भाई, देखो किस पे जा रहा है। सही में जुनून होना चाहिए कोई चीज करने का। बाकी आज गूगल में पता नहीं कहाँ कहाँ से मुझे लेके आया है। हम जो जाएंगे यहाँ से सीधा रोहतक बाईपास कर देंगे, फिर रोहतक से निकलेंगे सीधा भिवानी बाईपास कर देंगे, फिर एक ना एक और जगह बीच में पड़ती है, फिर वहां से हम सीधा चले जाएंगे चूरू की तरफ। आज हम एक और डेस्टिनेशन, दो डेस्टिनेशन कवर कर सकते हैं अगर टाइम मिला तो। फतेहपुर भी कवर करेंगे, एक्चुअली फतेहपुर सीकरी तो मैं पिछली राइड पे कंप्लीट कर लेता, लेकिन राजस्थान में फतेहपुर भी है, और राजस्थान आप जानते ही हो बेसिकली अपना फोर्ट वगैरह जो भी होते ना किले वगैरह उसके लिए जाना जाता है। तो भाई ये देखो बिल्डिंग, कितनी सिंगल बिल्डिंग और कितनी लंबी बिल्डिंग और कितनी पतली बिल्डिंग है, और अकेले खड़ी है यहाँ पे। तो बहादुरगढ़ और रोहतक तो सीधा, देखो भैया पूरी तो नहर बन गई जी है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, टिकरी कला स्मार्ट टर्मिनल है भैया, और क्या रंग पेंट कर रखे भाई मेट्रो के पिलर, वाह भाई वाह। भैया आ चुके हैं टिकरी बॉर्डर, अरे वाह आगे तो वाटर क्रॉसिंग भी आ गई है, क्या बात है। दिल्ली का आखिरी बॉर्डर, अब हम घुस जाएंगे सीधा यहाँ से हरियाणा में, तो मुड़ेंगे हम यहाँ से लेफ्ट, आगे चले जाएगा शायद बहादुरगढ़ की साइड जाएगा। झुंझुनू के लिए भी हम इधर ही की साइड मुड़े थे, झुंझुनू जो गए थे वो झज्जर होते हुए गए थे, लेकिन अभी हम झज्जर नहीं जाएंगे, हम रोहतक होते हुए जाएंगे। थोड़े दूर के बाद ना डिफरेंट रूट मिल जाएगा मुझे। तो ये है कुंडली मानेसर हाईवे, पुलिस वाले ट्रक वाले को रोक रहे हैं, ट्रक वाला भाग गया भाई साहब, भाई साहब भाग गया ट्रक वाला, अब देखो इसके पीछे गाड़ी से करेंगे पीछा, ट्रक वाला रुका नहीं, देखो इसने हॉर्न दे दिया, अब रुक गया ट्रक वाला, ये रुका पकड़ने जा रहा है। अच्छा आगे भी पुलिस वाले हैं भाई साहब, रुक गया। तो आ चुका है फर्स्ट टोल, लेकिन अपना टोल लगेगा नहीं। बाकी इस एरिया का नाम है सापला, सापला नाम है, कैसा नाम है ना सापला, कैसा वो क्या कर रहा है इतना काला धुआं छोड़ दिया। तो यहाँ पे भी ढाबे सही सही है, मन्नत है, मीरा ढाबा भी है, क्या बात है, मीरा ढाबा मन्नत ढाबा सब भाई ढाबे ढाबे हैं। ये कौन सा ढाबा है, फौजी ढाबा भी है, ये कौन सा ढाबा, अच्छा जी स्टार हाईवे ढाबा, क्या बात है ढाबे ही ढाबे लाइन से। तो आ चुके हैं रोहतक, रोहतक के लिए जाना तो आपको उस साइड जाना पड़ेगा, और मैं उस साइड गया था एक बार जब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा
पराठा खाने गया था। BMU यूनिवर्सिटी काफी फेमस है रोहतक का। क्या हाल है तीनों भाइयों का? चार भाई है, तीन भाई नहीं चार भाई है। धीरे चले, आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है भाई। बिल्कुल भाई, ये सीधा बाईपास है और वो अंदर रोहतक शहर से होते हुए जाएगा, तो हम बाईपास ले राजमा राज के स्पेशल कड़ी चावल। क्या बात है, कड़ी चावल वाले पेंगे भाई कॉफी पीने के लिए। ये वही ढाबा है, जब मैं झुंझुनू जाता हूँ तो मैं इसी रूट पे रुका था कॉफी पीने के लिए। कॉफी वगैरह पी लिया, बाकी भाई धूप जो है ना काफी तेज हो गई है। बाकी अंकल जी कह रहे थे कि ढाबे पे ना, वो ढाबे पे नहीं, बारिश जो है ना कल कम आई थी बारिश। अब देखते हैं भाई राजस्थान में क्या हालत होती है गर्मी। जी ने जो कॉफी दी ना 25 रुपए की, इतनी ज्यादा और इतनी टेस्टी कॉफी। और मैं जब उधर की साइड गया हुआ था कल फतेहपुर सीकरी भाई, तो मैं वापसी गया था मथुरा में, जो मैंने कॉफी पी 40 रुपए की, इतनी बेकार कॉफी थी। यहाँ गवर्नमेंट ने ना बिजली नहीं दे रखा, यहाँ पानी निकलता इंजन से ना। पहला ब्रेक लिया है आपका 80 किलोमीटर पे, 80 या 85 किलोमीटर पे लिया पहला ब्रेक। तो अब हम निकल चुके आगे की जर्नी पर, आगे की जो जर्नी बची है अभी 194 किलोमीटर। तो भाई गाड़ी के पीछे लगा लिखा है बुरी नजर वाले कुछ कमा खा ले। ये गाड़ी काफी अच्छी बना रखी है भाई ने, काफी अच्छी सजा रखी है। हो हमें यहीं से मुड़ना है शुगर मिल रोहतक। मैं सीधा जा रहा था, हमें यहीं से मुड़ना था भाई, बंद हो चुका है शुगर मिल रोहतक। शुगर मिल जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा पेट्रोल पंप का, क्योंकि राजस्थान में एंट्री करने से पहले हमें डलवाना पड़ेगा तेल, क्योंकि राजस्थान में तेल है महंगा। चलो क्या अंकल क्या है, अंकल देख रहे हैं भाई साहब स्प्लेंडर में मॉडिफिकेशन देखो, टेल टाइडी हटा दिए, जब की मॉडिफिकेशन है मान गए भैया। इससे आ चुका हाईवे, अब कौन सा ये ऊपर का हाईवे पता नहीं, लेकिन कोई तो तगड़ा हाईवे बना हुआ है। अपने को तो जाना है सीधा वैसे भिवानी, भिवानी शहर तो हम नहीं जाएंगे, भिवानी हम बाईपास मारेंगे। पिलानी, पिलानी किसको पिलानी है, लोहाड़ू भिवानी, कैसे कैसे नाम है ये। तो भैया इसने हमें घुमा दिया इधर, यानी कि लेफ्ट। लेफ्ट घूमते भैया रोड हो गई खराब, और खराब होते रोड हो गई सही। क्या बात है, ये कैसे पहाड़े मिट्टी वाले हैं। तो हम झुंझुनू के लिए गए थे सीधा, लेकिन हम यहाँ से मुड़ जाएंगे इस चौक से और हो जाएंगे राइट, क्योंकि अपने को याद है झुंझुनू गए थे हम सीधा और यहाँ से मुड़ जाएंगे इधर। तो भैया ये है लोहानी भाई, कोई तो टीला है, कोई तो जगह है, कोई तो कस्बा है, लेकिन काफी अच्छा है। इधर भी खेती, इधर भी खेती, और टीले टाइप के बने हुए यहाँ पे ना, ऐसे जैसे कि समतल नहीं है, कहीं पे चराई कहीं पे ढलान, और उन पे भी खेती हो रही है। तो ये अच्छा लग रहा है टीले टाइप पे ना, टीले पे भी कैसे खेती हो रही है। तो पानी कैसे टिकता होगा पता नहीं टीले, लेकिन पानी की थोड़ी कमी लग रही है यहाँ पे। लोग पानी भर के ला रहे हैं पीछे से ना मटके में, और भैंसे भी है, गायें भी है, दुकानें भी है, अंकल जी भी है। अरे भैया कैसे खराब रोड आ गई एकदम से, देखो यहाँ पे लेके जा रही ना महिला था पानी, तो पानी की दिक्कत है। अंकल जी भी देखे, क्या बात है अंकल कैसे देख रहे हो, आ गई सही रोड आ गई, मजा आ गया, सही रोड आ गई खेलते गड्डी। कॉन्क्रीट की रोड है यहाँ पे। तो भाई यहाँ तो समझ में नहीं आ रहा कौन से रूट पे आ गया, भगवान जाने भैंस की, तो रोड ही नहीं ठीक हो रहा। मिट्टी में ना और टायर दबता है, स्किट मारती गाड़ी। ऐसी रोड तो मैंने देखी है लाइफ में, लेकिन काफी टाइम बाद फिर से मैं देख रहा हूँ ऐसी रोड। भाई साहब ऐसी रोड तो बिहार में होती थी हमारे गाँव में। तो भाई ये बस वाले का ना डर लगता है भाई साहब, बड़ी गाड़ी जो जाती है ना भाई, इनके टायर से पत्थर उड़ के ना हिट हो जाए बहुत डर लगता है, बगल से गुजरती है कहीं लगाना पत्थर भाई साहब गोली की तरह छेद कर देगी शरीर में। भाई साहब आज गलत से नहीं पहना, हाथ देख रहे कैसे हो गए हैं, कैसे काले से हो गए। हाँ टाइम टू रिफिलिंग डलवा लेते तेल, गाड़ी भी ना रिजर्व में आने ही वाली है। भैया पेट्रोल डाल देना। ये कैमरा है, कैमरा कैमरा कैमरा, वो रिकॉर्ड करते हैं ना सामने, रोड वोड का करते हैं कभी अपनी सेफ्टी वेफ्टी के लिए भी। कैमरा लगवाना पड़ता है इसमें? हाँ लगवाना पड़ता है। 307 रुपये 3.76 लीटर की रीडिंग है 34283। राजस्थान में महंगा होता है ना तेल थोड़ा। हाँ कितना होगा राजस्थान में तेल? 8 रुपये कम से कम पाएगा है ना, तभी मैंने यही डलवा लिया। अच्छा यू को सिस्टम है भाई, अपने को पता था ना राजस्थान का सिस्टम, क्योंकि एक बार तब मैं भानगढ़ गया हुआ था ना, तो भाई वहाँ पे मैंने 109 रुपए लीटर तेल डलवाया था गाड़ी में, मुझे याद है। नॉर्मल पेट्रोल की बात कर रहा हूँ भाई। अरे तो मटक मटक के चल रहा है भाई, फिर से आ गई खराब रोड भाई। अरे भाई साहब, अरे भाई मेरे पूरा कोहरा कर दिया, ये तो विंटर का मौसम याद दिला दिया, हेलमेट के अंदर तक मिट्टी घुस गया भाई, थोड़ा देर रुकना पड़ेगा। चलो भैया अपना साइड पकड़ो और चलते रहो, क्या करो भाई। भैंस क्या हाल है, काली काली भैंस दिख रही है, भैंस काली होती है। ये कितना दूर और मुझे मिलेगा खराब, 25 किलोमीटर खराब मिलेगा? अरे भाई साहब आज तो लग गई मेरी, फिर तो राजस्थान बॉर्डर कितने देर में आ जाएगा?
अच्छा भैया चलो ठीक है, धन्यवाद भैया जी। भैया के साथ बहन जी भी लगी हुई है काम में, क्या बात है। मिट्टी में चली गई गाड़ी, मिट्टी में चली गई गाड़ी। रोड आ गई ये, रोड आ गई अंकल जी, क्या बात है। फिर से रोड आ गई, बीच बीच में खराब कोई नहीं, झेल लेंगे, क्या बात। हेलो जी मिल गए खराब अंकल, रोड की बात हो गई, हेलो जी होगी खराब भाई। अच्छा वो बारिश नहीं हुई इस रोड पे, नहीं तो भाई इतना शलस होता। फाइनली अब जाके आज अच्छी रोड आई है, तो आप करेंगे थोड़ी स्पीडिंग। 99 किलोमीटर अभी भी लगेंगे भाई, एक बज जाएंगे पहुंचते पहुंचते। टाइम हो चुका है आपका 10:57, 11 बज चुके हैं। मार्केट वाले क्षेत्र में हम घुस चुके हैं अपनी गड्डी लेके, एक्टिवा सिप जी। भैया कौन सी जगह, कौन सी जगह, बहल बहल वाटर क्रॉसिंग इज हियर, जल्दी से निकलो नहीं तो गाड़ी वाला लगा देगा हमें। ठिमके 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 क्या होता मुझे भी नहीं पता क्या। राजगढ़ पिलानी, पिलानी में मुड़ना है क्या, मैं किसी को पिलानी मिलानी है क्या, मुझे तो पीनी नहीं है भैया। झुप्पा भाई, झुप्पा क्या नाम है ये, झुप्पा। तो राजस्थान में आगमन पर आपका स्वागत है, यानी कि हमारा वेलकम हो चुका है राजस्थान में। अब हम घुसने वाले हैं सालासर 116 किलोमीटर, चूरू 77 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे भी खेती वही है ढलान वाली, राजस्थान में भी और पीछे हरियाणा में भी सेम ही सेम खेती बाड़ी। भैंस रोड क्रॉस कर रही है, इसके साथ गाय भी क्रॉस कर रही है, और इसके साथ एक बच्चे भी क्रॉस कर रहे हैं। बच्चे बाय बाय। गांव से जो निकलने में ना एक बेनिफिट होता है, नज़ारे जो होते ना बहुत प्यारे प्यारे मिलते हैं। हाईवे पे उतने अच्छे नज़ारे नहीं मिलते। राजस्थान है, राजस्थान राजाओं का स्थान। आते समय ना हाईवे लूंगा, ये बिल्कुल नहीं रूट लूंगा गूगल मैप उस रोड पे जाने के लिए, लेकिन रोड ही नहीं है यहाँ तो, ऐसे मिट्टी है, कहाँ जाऊँ। अब मोड़ के जाना पड़ेगा, मिट्टी में बड़ा टायर दबता भाई स्कूटी का, तो बैठ ही जाता निकलता ही नहीं है। कहाँ कहाँ मैं आ जाता हूँ स्कूटी से भी ना। स्कूटी भी बोलती होगी, सोचती होगी कभी, ये रात रात तब सोती होगी, सपने आते होंगे कि मैं वहाँ जा रही हूँ, कभी पहाड़ पे ले जाता है, कभी मिट्टी में घुसा देता है, कभी। अरे वाह गजब का हाईवे आया भाई, मुझे नहीं लग रहा यहाँ पे बारिश हुई है भाई साहब, यहाँ तो सेम गर्मी है यार, मई जून वाली। रोड खाली है भाई, कोई नहीं जा रहा है यहाँ पे। हाईवे रेडी हो रहे हैं हमारे नितिन गडकरी जी जो है ना, बताओ हर जगह हाईवे बनाते हैं ना, वो जा रही इंडियन रेलवे है टोल, और मुझे लगता है ये लास्ट टोल होगा चूरू का, क्योंकि चूरू है यहाँ से मात्र 14 किलोमीटर। बहुत चलाई गाड़ी यार, कहाँ कहाँ से नहीं गुजरे। फाइनली पहुँचने वाले हैं चूरू के लिए हमें जाना होगा इस साइड, जहाँ से ट्रैक्टर आ रहा है ना उस साइड जाना होगा, क्योंकि हम आए हैं उस साइड से, मैं आगे चला गया था। फिर गूगल मैप में देखा ना, गूगल मैप बोला भैया आगे किधर, इधर जाओ, इधर चूरू सीधा चूरू है। ट्रिप की आन बान शान, रेलवे ट्रैक इज हेयर बेबी। रेल क्या कहते हैं, आज तो मैं वेट करूंगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या भाई करोगे वेट, नहीं करोगे। ये पूरा चूरू शहर है, जा रहे हैं किले की तरफ। क्या हाल है भाई के, क्या हाल है, बढ़िया हाल है। चूरू किला किधर पड़ेगा, धर्म स्तूपा है, नगर परिसर चीरू। चीरू भाई हैं, कैसे चले लक्की भाई का ऑटो देखो कैसे। अरे भाई साहब कैसे ऑटो चलते गए यहाँ पे, ये कैसे ऑटो लंबे वाले। मैं बता दू कितना हो चुका है, अरे 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 किधर किधर भाई, 1:20, 7.5 घंटे लग गए मुझे आने में। मैंने कॉफी ब्रेक के लिए रुका था ना भाई, वहाँ से मैं नॉन स्टॉप चूरू आया हूँ। अरे ये कैसा गाड़ी है, तो ये है क्या भाई, चूरू फोर्ट यही है क्या, हाँ एंट्री यही से, एंट्री कहाँ से होगी, ये गेट है। इसी यहीं से घुस जाए अंदर, घूमने के लिए है कुछ, घूमने के लिए है अंदर, ठीक हाँ घूमने के लिए। फटिका मेरा यही कह रहे हैं, यही है किले का गेट। अरे किला किधर है, किला किला यही है, किला टूट गया, दीवार दीवार बची है। थाना कोतावली चूरू, ये चूरू फोर्ट जो अब टूट चुका है, बस दीवार दीवार बची हुई है, बस यही दीवार है, और अंदर थाना है और वहाँ पे एक मंदिर है बस, और साइड भी दीवार ही है बस, और सारा ये टूट टूट चुका है चूरू फोर्ट। अब चूरू फोर्ट पर नामों में रह चुका है लेकिन फोर्ट नहीं है। बाकी कट चुका है मेरा पोपट, सही में यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तो बेकार में आ गया मैं भी। सेठानी का झोड़ा करके नाम है, कुछ जगह निकल चुके हैं, वो कह रहे थोड़ी घूमने वाली जगह है, बाकी ये किला तो पूरा टूट गया है। बाकी गर्मी है यहाँ पे तेज, तो कहाँ इस पतली गली में जाऊंगा क्या। भाई देख रहे हो क्या लैंडस्केप है भाई साहब, गजब
दूर दूर तक जमीन है जमीन। अरे भैया मिनी जैसलमेर लग रहा है, मिनी जैसलमेर। अभी भी ये पुराने कलर की जीपें चलती हैं यहाँ पे। तो भाई फिर से मेरा कट गया, 10 किलोमीटर आगे चला गया, वापस आना पड़ रहा है, पूरा चकमा चूर हो जाएंगे लग रहा है। ये रहा सेटानी का जोहरा, ये रहा ना इधर है, सही है सेटानी का जोहरा तो अच्छा बन कर रखा है। अरे यहाँ तो पानी है, भाग क्यों रहे हो कबूतर सब? आ चुके हैं सेठानी का झोड़ा के पास जो इसका नाम है। और बाकी यहाँ पे ना भाई घूमने के लिए कुछ उतना खास नहीं है, रिकमेंडेड मेरी तरफ से तो नहीं है। बाकी ये सेठानी का जो झोड़ा है ना इसको मैं दिखा दूँ आपको प्रॉपर तरीके से। तो ये है सेठानी का झोड़ा, ये सिर्फ पानी यहाँ पे भरा हुआ है, ठीक है। और ये पूरा ऐसे 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 पूरा ऐसे 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 सब बना हुआ है बस। यहाँ जी सीढ़ी वगैरह देख रहे हो, वो नीचे आने वाने का होगा। अब कितना गहरा ये तो नहीं पता, पॉट था वो टूट ही गया था। ये सती का जोड़ा है, सेठानी का जोड़ा, और तो कुछ है नहीं, बस ये यही यहाँ पे चूर हुआ। तो फायदा क्या, यहाँ से मैं निकलूंगा दिल्ली। मन जो है ना परेशान हो गया, क्योंकि यहाँ पे आया सोचा कि मिलेगा घूमने घामने के लिए, लेकिन कुछ नहीं मिला भाई, कुछ नहीं। यही सही लगा बस देखने लायक, जो टूटा नहीं है, जो अभी तक है, बाकी तो सारे टूट टाट गए हैं। बाकी अगर आपको आना तो राइड करने आ सकते हो, वही है राइड करने आ जाओ, एक दिन का ट्रिप कर सकते हो, एक दिन में आराम से कर सकते हो अगर बाइक चलाने का मन है। ये यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है ना संरक्षित स्मारक सेठानी का झोड़ा चूरू। और क्या हाल है भाई के, क्या हाल है? 40 फीट गहरा है भाई, ये पानी भरा हुआ है, इसके अंदर ना सीढ़ियां बनी हुई है छोटी छोटी, जब प्यास बुझाने के लिए ना ये यूज किया जाता था। भाई गूगल मैप लगा लिया हमने दिल्ली का, दिल्ली तो पहुंचने का टाइम दिखा रहा है रात के 8 यानी कि 9 बजे पहुंचेंगे भाई। 301 किलोमीटर, 6 घंटा 6 मिनट लगेंगे। बाकी एक चीज मैं बता दूं, मैंने गूगल मैप पे इधर बाइक वाला मोड हटा के सीधा कार वाला मोड लगा लिया, क्योंकि ना मुझे चाहिए चौड़े रास्ते पे गाड़ी भगाने के लिए। क्या है ये, हाँ दांत साफ करने वाला है? अच्छा, जो गुटके उटके खाते हैं उनके दांत? मैं नहीं खाता, देखना हल्के पीले पीले हो तो खाना खाऊंगा तो पीले पीले तो होंगे। अच्छा नहीं, इतने पीले चलेंगे, खाना भी तो खाते ना, दाल चावल खाता हूँ ना ज्यादा मैं। ओ भाई साहब उल्टा मत समझ लेना कुछ पीले का मतलब। सरासर हनुमान जी जाएंगे नहीं सीधा, क्योंकि 90 किलोमीटर है, अगर जाएंगे और आएंगे यानी कि 180 किलोमीटर एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, टाइम बहुत हो जाएगा, घर पहुंचने में बहुत टाइम हो जाएगा। राजगढ़ और झुंझुनू, तो झुंझुनू होते हुए जाएंगे, राजगढ़ नहीं जाएंगे। अगर राजगढ़ होते हुए जाएंगे तो वही वाला रूट मिलेगा जो आते समय मिला था, कितना रोड खराब था, तो वो वाला रूट बिल्कुल नहीं लेंगे हम, लेंगे यहाँ से NH8 दिल्ली जयपुर वाला रूट लेंगे। चूरू चूरू करते हैं, बाय बाय चूरू। लेंगे यहाँ पे फ्यूल कहाँ से, जो हरियाणा का बॉर्डर है वो है कम से कम नीवी तो 40 किलोमीटर। 1 लीटर तेल लेके मैं रवाना हो जाऊंगा हरियाणा बॉर्डर, और हरियाणा में ही जाके मैं तेल डलवाऊंगा पूरी फुल, क्योंकि यहाँ पे 8 रुपए का अंतर है ना। 1 लीटर डाल दो तेल है, 1 लीटर डल रहा है, 106 रुपए का तेल है। तो हरियाणा में जो भी तेल लूंगा ना मैं, वो और 1 लीटर इसको जोड़ के और मैं एवरेज लगा दूंगा। आ चुका है झुंझुनू, और आते इस रास्ते को भाई यादें आ गई अपनी झुंझुनू वाली ट्रिप की, वो भी जाके व्लॉग देखना। खाना मिल जाएगा अंकल? तो रुके थे फिलहाल खाना खाने के लिए, ऑर्डर दे दिया है रोटी, तवा रोटी और मटर आलू खाएंगे। और भाई कूलर लग चुके हैं वहाँ पे, सही से हवा आ रही है भाई, यहाँ पे भी गर्मी है, बारिश हुई नहीं है ना जिसके कारण यहाँ पे गर्मी ज्यादा तेज है। भाई अपनी रोटी तवा रोटी और अपनी आलू मटर की सब्जी, भाई आजकल बहुत अच्छा लग रहा है आलू मटर खाने में ना। 232 किलोमीटर है अभी भी दिल्ली, 4 घंटे 36 मिनट लगेंगे, 10 बजे पहुंचूंगा। लेंगे यहाँ पे फिर से तेल, क्योंकि गाड़ी में हो चुका तेल खत्म। 2 लीटर डलवाऊंगा भाई, समझ में नहीं आ रहा हरियाणा कहाँ पड़ेगा। 2 लीटर डालो, 2 लीटर तेल डलवाया, 212 का। झुंझुनू तब आ गया तो यही सेम ही रूट है, तो पिछली राइड तो मैं झुंझुनू से आ रहा था ना, तो भाई ये सब ना पूरा बंजर था, लेकिन जब बारिश हुई देखो कैसे पेड़ पौधे निकल चुके पहाड़ पे। भाई देख रहे हो किस गली में घुसा दिया गूगल मैप। भाई साहब हमें मिल गया राइडर। अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हो भैया? भाई साहब सामने देखो पहाड़, बाकी सनसेट देखो कितना प्यारा हो रहा है, फुल कर दो। तो तेल है 410 रुपए का, 4.32 लीटर। मीटर की रीडिंग है 3459। 3 लीटर मुझे जोड़ना है, क्योंकि 1 लीटर मैंने वहां लिया था, 2 लीटर मैंने झुंझुनू में लिया था, कि एवरेज में लगा दूंगा प्रॉपर एवरेज। तो भैया ने अभी न्यू बाइक ली और न्यू राइडर भैया की, खाटू श्याम से आ रहे भैया। भैया के साथ राइड प्लान करेंगे, भैया कहीं जाना तो बताना जरूर। चलो भैया ठीक है, बाय बाय भैया। तो भाई एक्चुअली रेवाड़ी बाईपास ना ऊपर से बंद कर रखा है फ्लाईओवर, तो सिटी में आना ही पड़ा आखिर में। तो भैया पीते हैं यहाँ पे कॉफी अगर मिलती है तो। तो दे दिया ऑर्डर कॉफी का, कॉफी पीते हैं, क्योंकि अब जब तक खाना खाते तब तक नॉन स्टॉप चला ही रहे थे, 5-10 मिनट रुके थे बस पानी पीने के लिए।
लेकिन अब थोड़ा लंबा ब्रेक लिया है, रुकेंगे फिर नॉन स्टॉप कैचेंगे, 100 किलोमीटर रहना दिल्ली यहाँ से। तो आ गई अपनी कॉफी और लिया है हमने पीनट। दिल्ली रुकेंगे, अपने गूगल मैप की भी जरूरत नहीं है क्योंकि अब आने वाला है आगे NH8 दिल्ली और जयपुर हाईवे। तो फाइनली रीच गुरुग्राम। गुरुग्राम आ चुके, बहुत दिन बाद आया मैं फिर से गुरुग्राम। तो ये बिल्डिंग में लाइटें कौन सी लगा दी है पता नहीं, लंबी लंबी। हाँ धक्का लगा देता हूँ। हाँ बैठो। चले जाओगे? चले जाओगे ना? बाय बाय। तो आ चुके हैं धौला कुआं। धौला कुआं काफी टाइम से देखने का मन था, काफी अच्छा बना दिया धौला कुआं को भी। फाइनली रीच सीपी। सीपी आ गए हैं। सीपी तो रात में घूमने के लिए बेस्ट। तो फाइनली रीच होम, आ गए अपने घर। सो गए क्या घर वाले? 3 4 7 4 0 10:46 पहुंच गए घर आज भी।